हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूड मैकेनिक्स का 7th लेक्चर है। इसमें हम आज बर्नौली इक्वेशन के और फ्लूड डायनामिक्स के जो हैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने जब आपको बर्नौली इक्वेशन नोट कराई थी तो उसमें जो बर्नौली इक्वेशन का 3rd फॉर्म है, यानी कि 6th लेक्चर में जो है वो स्टार्टिंग में हमने बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म को नोट कराया है। उसमें एक फॉर्म जो है वो हेड के टर्म्स में होती है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड जो होता है वो सिंपल हाइट के इक्वल होता है। जैसे आप ग्रेविटेशनल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं mgh, उसमें केवल h रहेगा वहाँ पर। ठीक है, वो हाइट को हम ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। तो इसमें जो आपका वेलोसिटी हेड है उस पर न्यूमेरिकल आते हैं 11th एग्जाम में और सभी में है इम्पोर्टेंट। तो और उसका फार्मूला जो है वो v² / 2g है। तो आप नोट करें क्वेश्चन को और करना स्टार्ट करें। देखिए, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। स्पीड पूछा है और वेलोसिटी हेड दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी हेड है v² / 2g और ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है 40 सेंटीमीटर। ये हाइट के ही इक्वल होगा, इसकी यूनिट सेंटीमीटर और मीटर में होगी। तो आप प्रिफर करें अगर मीटर में चेंज कर लें, अगर नहीं चेंज करें कभी भी तो जी की वैल्यू ध्यान रखना, फिर वो 980 होती है, यानी ये एच के इक्वल है। तो v = √2gh, तो ट्वाइस, फिर जी आप 980 लें और एच 40 लें, ये आपका आंसर बन रहा है। इसमें जो दिया हुआ है वो वाटर की ही हाइट में दे रखा है, तो ये 280 सेंटीमीटर पर सेकंड आता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, इसी से रिलेटेड है। लिखिए, एट व्हाट स्पीड विल द एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ hg कॉलम। ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें जो आपको दिया गया है कि एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ hg कॉलम, यानी मरकरी कॉलम। तो मरकरी कॉलम में जो दिया गया है उसको पहले हमें वाटर कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्यूब में फ्लो हो रहा है वो वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो h ρg का फार्मूला है, मान लीजिए ये मरकरी कॉलम है, डेंसिटी मरकरी की लें और वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो हाइट वाटर की, डेंसिटी वाटर की और जी से जी कैंसिल कर दें, इससे हमें वाटर कॉलम में कन्वर्जन हो जाता है hg इंटू डेंसिटी मरकरी की डिवाइडेड बाई डेंसिटी वाटर की। अब आपको जो डेंसिटी गिवन है वो जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, cgs में वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 लेते हैं, अगर हम सेंटीमीटर में ही रखें तो 20 सेंटीमीटर, मरकरी की डेंसिटी 13.6 और इसकी 1 होगी, ये डेंसिटी आपकी निकल आएगी और ये इन टर्म्स ऑफ वाटर हो गई है। अब अभी आपने फार्मूला लगाया था √2gh और वाटर कॉलम का ही लें, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर कॉलम का हाइट लें, अगर मरकरी फ्लो हो रही है तो मरकरी कॉलम की हाइट लें। ठीक है ना, तो बाकी इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दें, cgs में है इसलिए ध्यान रखना 980, अदरवाइज आप मीटर में चेंज करने की हैबिट डालें। 13.6 ये जो वेलोसिटी आपकी आ रही है ये 7.4 के लगभग आ रही है, 7.4, और हमने इसको मीटर में बोला है ये आंसर, मीटर पर सेकेंड, आप सेंटीमीटर में चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजेंटल पाइप, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजेंटल पाइप के पहले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजेंटल पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर,
एट ए स्पीड 2 meters per second. What should be the diameter of its nozzle if the water is to be come out at the speed 10 meters per second? Water, हम फिर बोल रहे हैं, water flows through a horizontal pipe of radius 1 centimeter at speed 2 meters per second. What should be the diameter of its nozzle if the water is to come out एट ए स्पीड 10 meters per second? नेचुरल है कि एक जगह पर रेडियस दी है, वेलोसिटी दी है, और दूसरी जगह पर वेलोसिटी दी है और डायमीटर पूछा है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी, a1 v1 = a2 v2. ठीक, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 = a2 v2. इसमें जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है. अगर डायमीटर गिवन है तो आप d/2 का होल स्क्वायर करके अगर चाहें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया का फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेडियस में चेंज कर लें. ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है. इसमें a1 v1 = a2 v2 लगाएं और इसमें जो है वो डायमीटर आपका निकल आएगा. मेरा कहने का यहाँ मीनिंग हुआ कि एरिया, जैसे ये a1 है, हमने डायमीटर में चेंज किया है, पाई d1 स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर वेलोसिटी ले लें, यहाँ एरिया पाई d2 स्क्वायर बाई 4 * वेलोसिटी v2 ले लें. इसमें आपको b1 गिवन है, b2 गिवन है, वहां पर वैल्यू डालें, कैलकुलेशन खुद चेक करें. वेलोसिटी b1 2 meters per second है, b2 10 meters per second है, रेडियस 1 centimeter है, उसको मीटर में चेंज करें. ठीक है, या सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लें. तो यहाँ पर जो आपका रेडियस या डायमीटर जो आ रहा है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर डायमीटर पूछा था, इसलिए क्वेश्चन में डायमीटर में हमने चेंज किया है. आप चाहें तो रेडियस निकाल कर और तब उसे डायमीटर में चेंज कर लें, एक ही बात है. ठीक है ना, तो डायमीटर यहाँ पर 0.9 के लगभग आ रहा है, d2 0.9 meter, 0.9 centimeter, सॉरी. ठीक है ना, तो क्वेश्चन में आप उसमें भी लगा सकते हैं, रेडियस में निकाल कर और फिर डायमीटर को डबल कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें. कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पजेस्ड बाई वाटर एट ए पॉइंट वेयर प्रेशर इज, प्रेशर आपका गिवन है पी 10, नोट करें, प्रेशर इज 10 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर, ग्राम फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर. इनके कन्वर्जन आपको ठीक से आने चाहिए. लिखिए, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पजेस्ड बाई वाटर एट ए पॉइंट वेयर द प्रेशर इज 10 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर, वेलोसिटी इज 0.1 meter per second एंड हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.2 meter, 0.2 meter, जी को 9.8 लेंगे. ठीक, तो इसमें पहले जो प्रेशर आपका गिवन है इसको हम MKS में चेंज करेंगे, ग्राम को KG में चेंज करें, 10^-3. ठीक, ग्राम को KG में चेंज, ये ग्राम फोर्स है, फोर्स को उसमें कन्वर्ट करने के लिए 9.8 मल्टीप्लाई करें तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ अपान में स्क्वायर मिलीमीटर है, तो मीटर में 10^-3 होगा और स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर कर दें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, आप समझ गए होंगे डाटा को. ये 98 × 10^3 आ गया, 98 × 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर बन गया. ठीक है, वेलोसिटी आपको दी गई है, वहां पर वेलोसिटी है 0.1 meter per second. ओके, और डेंसिटी 10^3 होती है, नेचुरल है उसकी वाटर की, और हाइट आपको h 0.2 मीटर
गिवन है, क्वेश्चन में चेक कर लें। अब आप पहला लिखें, एनर्जी पूछी है टोटल, हम तीनों तरह की एनर्जी निकालेंगे और उनको बाद में प्लस करेंगे। तो पहले लिखें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, मास में पूछी गई है। फर्स्ट लाइन को चेक करें, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो है खुद पी वाई रो के इक्वल होती है। पी आपको गिवन है 98 × 10³ डेंसिटी 10³, तो 98। ये आपको जो यूनिट है यहाँ पर वो आप चेक करें, ये एनर्जी पर यूनिट मास है, इसका मतलब जूल पर केजी है। ये बन गई आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। दूसरा लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये जीएच के इक्वल होगी, तो 9.8 और हाइट 0.2 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये आपका जो है वो 1.96 आ रहा है, 1.96 जूल पर केजी। ठीक, इसके बाद तीसरी है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, नेचुरल है कि हाफ वी स्क्वायर के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ वी स्क्वायर, पर यूनिट मास है, हाफ एम वी स्क्वायर में मास डिवाइड हो गया, वेलोसिटी वहां पे देखें 0.1 का होल स्क्वायर, बहुत कम एनर्जी आती है ये 0.005 जूल पर केजी, 0.005 जूल पर केजी। अब टोटल एनर्जी के लिए आप इनको सबको प्लस कर दें, ठीक है, तो ये तीनों एनर्जी प्लस करके तो ये 99.67 नियर अबाउट आ रही है, या 99.665 जूल पर केजी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए इन ए हॉरिजेंटल पाइप द प्रेशर इज 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मरकरी कॉलम है, एचजी बोलना है उसको, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन ए हॉरिजेंटल पाइप द प्रेशर इज 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वेयर द वेलोसिटी इज 0.35, वेयर द वेलोसिटी इज 0.35 मीटर पर सेकेंड। फिर से नोट करा रहे हैं, लिखिए इन ए हॉरिजेंटल पाइप द प्रेशर इज 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी वेयर द वेलोसिटी इज 0.35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 0.65 मीटर पर सेकेंड। तो V1 और V2 दिया है, P1 दिया है, नेचुरल है कि P2 कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, इसलिए जो प्रेशर आपको मरकरी कॉलम में दिया गया है उसको पहले वाटर कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रेशर आपका जो गिवन है वो 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, देखिए प्रेशर है 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक, यानी कि 0.01 मीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक, और उसके बाद इसे हमें प्रेशर को एच रो जी लेना है, यानी पास्कल में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो हाइट के टर्म्स में दिया है, जब भी प्रेशर हाइट के टर्म्स में दिया हो तो उसको एच रो जी लगाकर तब नेट प्रेशर निकालेंगे। ठीक, तो एच है 0.01, डेंसिटी इसकी 13.6 × 10³ और जी 9.8। ठीक, ये जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी V1 है इस पॉइंट पर चेक कर लेना, वहाँ ठीक से वेलोसिटी कहाँ पर है दी हुई है, 0.35 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, 0.35। V2 है 0.65, नोट करें V2 0.65 मीटर पर सेकंड, और P2 पूछा गया है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन लगा दे, हॉरिजॉन्टल लेवल है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V1 V2 गिवन है, ये P1 है आपका, P1 हम लिखते रहे हैं, और नेचुरल है, इसमें जब वैल्यू डालेंगे, डेंसिटी आपको वाटर की 10³ ले,
इसमें जो आप वैल्यू डाल रहे हैं तो 1182 1182.8 पास्कल आ रहा है। अगर आंसर ध्यान रखना, आंसर कहीं अगर मरकरी कॉलम में दिया है तो जैसे आपने प्रेशर में एच रो जी से निकाला है वैसे ही क्या करेंगे कि ये एच निकालने के लिए रो और जी को इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यही चीज अगर एच में निकालनी है तो पी टू में रो और जी को डिवाइड कर दें। पी टू है आपका 1182.8 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 13.6 इंटू 10^3 और जी 9.8। इससे आपका मरकरी कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ रहा है 0.00887 मरकरी कॉलम, ठीक है ना। इतने मीटर ऑफ एच जी कॉलम 0.00887। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप सभी क्वेश्चन का कैलकुलेशन हमारे इस लेक्चर से, ऐसा न करना कि उसको वैसे के वैसे ही उतार लें, सभी न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन चेक करें क्योंकि कैलकुलेशन करने से ही प्रैक्टिस बनती है। जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है या जिन्हें कम्पिटिटिव एग्जाम देना है वो कैलकुलेशन को खुद करें अपने हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए द डायमीटर ऑफ पाइप, द डायमीटर ऑफ ए पाइप एट टू पॉइंट्स वेयर वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड इज 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आप हाफ करके इसको रेडियस निकाल सकते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर वेंचुरीमीटर का लेक्चर सुना होगा 5th-6th वाला तो उसमें ध्यान दिया होगा रेडियस और एरिया की जरूरत पड़ती है। देखिए द डिफरेंस ऑफ लेवल, द डिफरेंस ऑफ लेवल इन इट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। रेडियस आर वन 4 सेंटीमीटर और आर टू 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, एच 4 सेंटीमीटर। इसमें आप एरिया ए वन कैलकुलेट करें पाई आर वन स्क्वायर, डायरेक्ट हम आंसर दे रहे हैं, आप ठीक से इसको कैलकुलेट करना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ए वन, इसी तरह से एरिया ए टू पाई आर टू स्क्वायर, ये 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक। और फिर आप वॉल्यूम फ्लो रेट का ये जो फार्मूला था आपको ध्यान होगा कि वॉल्यूम फ्लो रेट वी ए क्यू लिख लें, ए वन ए टू 2gh डिवाइडेड बाई रूट ए वन स्क्वायर माइनस, ये सभी रूट में है, 2gh ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। इसमें सभी वैल्यू मालूम है, ए वन ए टू मालूम है, h मालूम है, ठीक है ना। आप मीटर में g को ध्यान रखना, अगर आप सेंटीमीटर में रखें तो फिर g 980 और मीटर में रखें तो फिर 9.8, फिर मीटर में उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है जिसको हमने वैसे जनरली q से लिखा है, तो q इज इक्वल टू ये आपका जो है वो 0.01889, ये सीसी में हमने लिया है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हमने सीजीएस में रखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ वाटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑर्फिस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ वाटर, टॉर्सोली थ्योरम का क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर ए फ्लक्स नोट करें, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑर्फिस नियर द बॉटम ऑफ ए टैंक इन विच प्रेशर इज 500 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रेशर नोट करें 500 ग्राम फोर्स
पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको प्रॉपर चैनल में चेंज करना पड़ेगा, एबव एटमॉस्फेयर यानी एक्स्ट्रा प्रेशर है इतना। तो वेलोसिटी पूछा गया है, आपको मालूम है कि टॉरसोली थ्योरम में अगर आपको वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है तो पहले हाइट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आपको प्रेशर दिया गया है तो जब भी आपको प्रेशर दिया जाए और हाइट का कैलकुलेशन करना हो तो प्रेशर एच रो जी का यूज करें, और अगर हाइट दी है प्रेशर कैलकुलेट करना है तब भी इसका यूज करें। तो प्रेशर को सबसे पहला काम यह है कि आप इसे एमकेएस में चेंज करें, 500 ग्राम को केजी में 9.8 मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 10^-2 का स्क्वायर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5000 × 9.8, हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब पी जो इक्वल टू होता है एच रो जी, इससे आप हाइट कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डेंसिटी वाटर की हमने एमकेएस में निकाला है, डेंसिटी वाटर की 10^3 रखें और जी की वैल्यू 9.8 रखें, तब ये आपका 5 मीटर बन रहा है। नेचुरल है, 9.8 और 0.0 कैंसिल हो गए। अब वेलोसिटी आप एफ्लक्स निकालें, तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू √2gh के इक्वल होगी, 2gh, तो जी की वैल्यू 9.8 और एच आप 5 मीटर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 98 हो जाएगा, ये आपका 9.89 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए फुली लोडेड एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, ए फुली लोडेड एयरक्राफ्ट के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस में रखना, 11th में इंपॉर्टेंट होते हैं। ए फुली लोडेड एयरक्राफ्ट हैज ए मास ऑफ 3.3 × 10^5, 3.3 × 10^5। ए फुली लोडेड एयरक्राफ्ट हैज ए मास ऑफ 3.3 × 10^5 kg, इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, इट इज इन लेवल फ्लाइट यानी हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद ए स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर, विद ए स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें आपको जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, और इसमें आपको प्रेशर का डिफरेंस और वेट, इसमें वेट दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दें कि जब कोई चीज़ ऐसे हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो जो ऊपर और नीचे प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। कल कोई क्वेश्चन में कराया गया एयरक्राफ्ट का, ये तो mg डाउनवर्ड लगेगा, प्रेशर का डिफरेंस निकालें उसमें एरिया को मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो आपका प्रेशर डिफरेंस इसमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट में लिखिए, फर्स्ट पार्ट इस्टीमेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, इस्टीमेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस, इस्टीमेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। ठीक, तो हमने अभी बता दिया mg डाउनवर्ड, प्रेशर डिफरेंस में एरिया मल्टीप्लाई करें वो अपवर्ड एक्ट करेगा, आर्टिकल कल का आना चाहिए। ठीक, तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, उसमें एरिया मल्टीप्लाई करें, ये mg को बैलेंस करेगा, आपको मास वगैरह उसमें गिवन है। ठीक, इससे आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, प्रेशर डिफरेंस mg डिवाइडेड बाई एरिया। जरा डाटा को चेक करें, मास जो दिया है वो 3.3 × 10^5, मास 3.3 × 10^5, g 9.8 और एरिया 500, तो ये प्रेशर डिफरेंस 6.5 × 10^3 पास्कल आ रहा है। ठीक, इसमें mg को बैलेंस करा दिया आपने। आगे सेकंड पॉइंट, इस्टीमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज
बहुत अच्छा पार्ट है ये, एस्टीमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। एस्टीमेट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। डेंसिटी एयर की गिवन है 1.2, डेंसिटी नोट करें एयर की 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो नेचुरल है कि बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, तो बर्नौली इक्वेशन में सेम लेवल है, P1 plus half rho V1 square P2 plus half rho V2 square। कल की थ्योरी ध्यान करें, बताया था कि ऊपर की जो लेयर होती हैं उसकी शेप विंग्स की इस तरह से बनाते हैं कि इसमें ऊपर की लेयर की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिससे ऊपर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है एयर की। स्पीड ऊपर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ऊपर की तरफ लगेगा, वही आपको एम जी को बैलेंस कर रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ पर ज़रा कैलकुलेशन पर ध्यान दें, क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम आ सकती। P1 minus P2 होगा हाफ रो V2 square minus V1 square। हम इसे लिख सकते हैं रो बाई टू V2 plus V1 into V2 minus V1। ये टू हम इसमें ले रहे हैं नीचे। ठीक, देखिए जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ऊपर और नीचे वो वी एवरेज होगा, जिससे कि फ्लाइट मूव कर रही है। इसको ध्यान दें, ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज ले लें, ये पॉइंट जरा ध्यान रखना है जहाँ पर, और वही जो एयरक्राफ्ट की है वो स्पीड होगी। तो यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि V1 plus V2 divided by 2, ये वी एवरेज होगा। क्वेश्चन को मैं देखें उसमें दिया हुआ है 960 से जो है वो स्पीड से मूव कर रहा है किलोमीटर पर आवर, ये 960 किलोमीटर पर आवर ये गिवन है आपको। ठीक है, आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, ये 267 आ रहा है। डाटा आप सभी कैलकुलेटर में चेक करें, 267 मीटर पर सेकंड। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगती है तो कमेंट में आप जरूर डालें, उसको वहां पर करेक्ट कर लेंगे। तो 267 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अब जरा ध्यान दें, हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है कि V2 minus V1 तो चेंज हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाई वी एवरेज, इसका मुझे कैलकुलेशन करना है। ये चीज ध्यान रखना, V2 minus V1 डिवाइडेड बाई वी एवरेज। अब वी एवरेज की वैल्यू यहां से निकाल कर पुट अप कर दें। जरा देखें, ये डेंसिटी है, ये क्या है, ये वी एवरेज है, और ये V2 minus V1 है। ठीक है, तो यहां से जो है हमको V2 minus V1 upon V average का कैलकुलेशन यहां पर करना है। ठीक, तो आप वी एवरेज की वैल्यू को यहां पर पुट अप कर सकते हैं, या V2 minus V1 की वैल्यू को यहां पुट अप कर दें। तो V2 minus V1 क्या आएगा, डेल्टा पी। ठीक, डेल्टा पी आप कैलकुलेट कर चुके हैं अपॉन वी एवरेज, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा पी अपॉन वी एवरेज का होल स्क्वायर। जरा कैलकुलेशन पर ध्यान दें, हमने V2 minus V1 की वैल्यू यहां पर पुट अप कर दी है, और डेंसिटी और है, रो सॉरी डेंसिटी यहां पर एक और रहेगी इस जगह पर। ठीक, कैलकुलेशन मुझे इसका करना है, फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब आप वैल्यू पुट अप कर दें, ध्यान दें, डेल्टा पी की जगह लिखें 6.5, ठीक, इंटू 10^3, डेंसिटी 1.2 ये गिवन है, और वेलोसिटी जो वी एवरेज है वो 267 मीटर पर सेकंड, और उसका होल स्क्वायर कर दें तो ये नियरली 0.08, या परसेंटेज में लिखेंगे तो 8% आएगा, इतना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है। ठीक, ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका हम एक क्वेश्चन आपका एयरक्राफ्ट का और लेते हैं, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एयरक्राफ्ट के, इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी आपने लगाया है इसमें वेलोसिटी गिवन नहीं थी, ठीक है, इसमें वेट दिया हुआ था और वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, अपलिफ्टिंग नहीं है, केवल वेट को बैलेंस करने के लिए अब थ्रस्ट जो लग रहा है यहाँ पर वो केवल वेट को बैलेंस कर रहा है। अब जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए, ईच ऑफ द टू विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन
हैज एन एरिया ऑफ 30 मीटर स्क्वायर ईच ऑफ द टू विंग्स, दो विंग्स हैं इन एन एरोप्लेन, हैज द एरिया ऑफ 30 मीटर स्क्वायर, इफ द स्पीड ऑफ एयर इज 70 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड ओवर द लोअर विंग, यानी जो लोअर विंग है उसके ऊपर, एंड 90 मीटर पर सेकेंड ओवर द अपर विंग, जो अपर विंग्स है वहां पर 90 मीटर पर सेकेंड लोअर अपर विंग सरफेस, ठीक, स्पीड ऑफ द एयर इज 70 मीटर पर सेकेंड ओवर द लोअर विंग्स एंड 90 मीटर पर सेकेंड ओवर द अपर विंग्स सरफेस, इफ द प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कॉन्स्टेंट स्पीड डिटरमाइन द अपलिफ्ट एंड मास ऑफ द प्लेन, डेंसिटी लिख दें एयर की 1.29, डेंसिटी एयर की 1.29 मीटर पर सेकेंड, नोट करें V1 90 मीटर पर सेकेंड, नोट करें V1 हम डाटा नोट कर रहे हैं यहाँ से देख करें, V1 चेक करें 90 मीटर पर सेकेंड, V2 70 मीटर पर सेकेंड, एरिया एक विंग्स का 30 मीटर पर सेकेंड, बर्नौली इक्वेशन लगा दें, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और इससे प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 का कैलकुलेशन करें, यहाँ पर पॉजिटिव में वो ज़्यादा आ रही है तो P2 माइनस P1, ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2, V2 जब V1 ज़्यादा है ना ग्रेटर देन, तो B1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसमें P2 माइनस P1, आप B1 V2 और ये सभी वेलोसिटी को पुटअप करें, ये जो आ रहा है वो 2064 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब फोर्स का जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेशर का डिफरेंस लें और इसमें एरिया ध्यान दें डबल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो विंग्स हैं, और ये छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान रखना पेपरों में, वहां पर टू विंग्स दी हुई हैं तो इसलिए डबल एरिया को मल्टीप्लाई करें यहां पर, तो ये एरिया आपको गिवन है वहां पर, तो एरिया वहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये 12340 न्यूटन इतना फोर्स आ रहा है, 12340 न्यूटन, ठीक। अब मास नेचुरल है कि ये जो फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है ये वेट को बैलेंस करेगा, तो आपने जो फोर्स निकाला है उसे mg को बैलेंस कर दें तो F/g कर दें, g की वैल्यू 9.8 डालें तो ये 36.7 kg आ जाएगा, ठीक। तो हमने एयरक्राफ्ट के दो क्वेश्चन आपको लगवा दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन से मेरी समझ में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेशन इसका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, अभी तक जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं वो बर्नौली थ्योरम और एक आपने टॉर्सोली का भी लगाया है, वेंचुरी मीटर का लगाया है। अब एक क्वेश्चन आप जरा विस्कोसिटी का लें, देखिए ए प्लेट ऑफ मेटल 10 सेंटीमीटर, ए प्लेट ऑफ मेटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ ऑयल 2 मिलीमीटर थिक, एक लेयर है ऑयल की 2 मिलीमीटर थिक की, उसके ऊपर है रेस्ट में, हुज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, नोट कर रहे हैं हम साथ साथ डाटा, हुज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी 15.5 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड विद यूनिट, ठीक। और जो लेयर ऊपर की फिर पढ़ रहे हैं, ए प्लेट ऑफ मेटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ ऑयल 2 मिलीमीटर थिक, ये जो डेल्टा एक्स है ये 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर, CGS का यूज कर रहे हैं। और आगे नोट करें, कैलकुलेट द हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट, प्लेट को मूव कराने के लिए हॉरिजेंटल फोर्स, टू मूव द प्लेट विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट, ठीक से लिखना, कैलकुलेट स्ट्रेन रेट एंड शियर स्ट्रेस,
स्ट्रेन रेट एंड शियर स्ट्रेस। तो डेल्टा एक्स दिया है, डेल्टा बी दिया है वेलोसिटी का, ठीक। फोर्स, फोर्स कैसे निकालेंगे विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी आपको गिवन है, फोर्स का फार्मूला आपको मालूम होगा, ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दें सभी, 15.500 एरिया इनटू एरिया, ये 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट है, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। डेल्टा वी 3 और ये 0.2, ये सभी सीजीएस में लिए गए हैं, तो ये 23250 इतना फोर्स आ गया। अब स्ट्रेन रेट, हम थ्योरी में स्ट्रेन रेट को करा चुके हैं, स्ट्रेन रेट ये डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, दोनों डिवाइड कर दें यानी 3 अपान 0.2, तो 15 पर सेकेंड, ये बन गया आपका स्ट्रेन रेट, ओके। अब आप इसमें स्ट्रेन रेट निकालने के बाद आप इसमें जो है वो शियर स्ट्रेस निकालें, शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस ये ईटा टाइम्स शियर स्ट्रेन। देखिए ये फार्मूला जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है ठीक से, लेक्चर सुने हैं, वहां ध्यान देना, हमने विस्कोसिटी को एक अदर तरह से डिफाइन किया है कि विस्कोसिटी इक्वल होती है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक। इसलिए वहां पर थ्योरी में आप चेक करें तो यहां पर ईटा और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। इसमें शियर स्ट्रेन में, शियर स्ट्रेन आप 15 निकाल चुके हैं, ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 15.5, उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां हम नोट कर रहे हैं 15.5 × 15, तो ये 232.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी सीजीएस में है डाटा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन में चूंकि शियर स्ट्रेन और ये पूछा गया है, यूनिक क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन को। विस्कोसिटी को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, और दूसरा फार्मूला जो एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स है, उससे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये यहां पर एक टेबल है, ये ब्लॉक रखा है यहां पर, यहां पर ये ब्लॉक रखा है, और इसके नीचे यहां पर कोई लिक्विड की फिल्म है, ठीक है। इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग को अटैच करके यहां पुली लगा दें और इसमें एक वेट अटैच कर दिया, ये वेट आपको दिया है 0.01 kg, ठीक। ये फिल्म यहां पर लिख दें, ये लिक्विड की फिल्म है, लिक्विड फिल्म लिख दें, लिक्विड फिल्म, और ये कोई ब्लॉक रखा है, इससे स्ट्रिंग अटैच करके पुली लगाकर यहां ये ब्लॉक लगा दिया। बाकी डाटा नोट करें, देखिए प्लेट एरिया, प्लेट एरिया ये है 0.10 m², ठीक। दूसरा लिक्विड फिल्म थिकनेस, लिक्विड फिल्म थिकनेस, ठीक, यहां पर हमने थिकनेस को एल से लिखा है, तो ये है 0.3 mm, यानी कि 0.3 × 10⁻³⁻³ m। इसके बाद वेलोसिटी दी है 0.085, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 0.085 m/s, और जी की वैल्यू 9.8। सभी डाटा को नोट करें, और विस्कोसिटी पूछा, लिख दीजिए फाइंड विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का फार्मूला एफ इज इक्वल टू लेंथ एल ले ली है, वी ए, ठीक, फोर्स के टर्म्स में आप लिखते थे डेल्टा वी वाई डेल्टा एल, तो यहाँ वी है और एल दिया हुआ है, सभी डाटा नोट कर दें। हाँ, फोर्स कितना लगेगा, वो एम जी के इक्वल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मास और ये 0.01 है, ये 9.8 है। अब यहाँ पर डाटा डालें आप, 9.8 × 10⁻²⁻², 0.3 × 10⁻³, सभी एम के एस में, 0.85 इंटू
एरिया 0.10, एरिया ये दिया है 0.10, ये आपका विस्कोसिटी कोफिशेंट 3.45 इंटू 10^-3 पास्कल सेकेंड आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन 11th के होम एग्जाम के लेवल के हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड हैं। आपको इनके फार्मूले का यूज करना सीखना है, यहाँ पर सभी कैलकुलेशन खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, देखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब, वाटर इज फ्लोइंग, डाटा हम साथ साथ नोट कर रहे हैं, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब 8 सेंटीमीटर डायमीटर, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब इन 8 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 4 किलोमीटर इन लेंथ। तो रेडियस जो गिवन है वो 0.04 मीटर गिवन है, डायमीटर से मीटर रेडियस में चेंज कर लिया, लेंथ गिवन है 4000 मीटर। लिखिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजेंटल ट्यूब 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 4 किलोमीटर इन लेंथ एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट 20 लीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना आप सीख लें। देखिए, जो लीटर होता है वो अगर हम एक क्यूब बनाएं, इसको ठीक से समझ लें, 10x10 सेंटीमीटर का, तो इसमें जो लिक्विड आएगा वो 1 लीटर होता है। इसका मतलब ये सेंटीमीटर है, 1 लीटर जो है वो 10x10x10 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 10^3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 10^-3 मीटर क्यूब, ये 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक। तो 20x10^-3 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमने चेंज कर दिया, ठीक। ये मिल गया आपका वॉल्यूम फ्लो रेट। तो नोट करें, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजेंटल ट्यूब 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 4 किलोमीटर इन लेंथ एट द रेट ऑफ 20 लीटर पर सेकेंड, 20 लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन टर्म्स ऑफ HG कॉलम, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ HG कॉलम। हाँ, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इन टर्म्स ऑफ HG कॉलम, मर्करी कॉलम, ईटा लिखिए 0.001 पास्कल सेकेंड, ईटा गिवन है 0.001 पास्कल सेकेंड। सभी यूनिट CGS और MKS में ध्यान रखना। तो इसमें प्रेशर का फार्मूला आपने पॉजली इक्वेशन लिख रखी है, पी वॉल्यूम फ्लो रेट ईटा एल डिवाइडेड बाई पाई आर पावर 4, इसमें वैल्यू डालें तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 7.9×10^4 पास्कल, ठीक। अब आपको मालूम है हाइट, इन्होंने मर्करी कॉलम में पूछा है तो P=H ρg, तो P में रो जी को डिवाइड कर दें, ठीक। मर्करी कॉलम का मतलब 13.6×10^3, तो 7.9×10^4, 13.6×10^3 और g 9.8, नोट करें, यहाँ पर देखें ये आपका आ रहा है 59.7 सेंटीमीटर में लिखा हमने है, सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। हम फाइनल आंसर को चेंज करके लिख रहे हैं, या ये 0.059 हो जाएगा, मीटर ऑफ HG कॉलम, कुछ भी यूज कर सकते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, 10, नोट किया, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम एंड डेंसिटी 7.8 ग्राम पर cc, एंड डेंसिटी 7.8 ग्राम पर cc, व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद
ग्लिसरीन बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर सम टाइम, टर्मिनल वेलोसिटी का है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी नोट करें आप ग्लिसरीन 1.3 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इसमें डायरेक्ट फार्मूला विस्कस फोर्स का नहीं लगेगा क्योंकि इसमें इन्होंने वेलोसिटी वगैरह नहीं दी है। तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ बॉल, वेट एमजी के इक्वल, ये वेट जो है वो 10 × 980 सीजीएस में रखा गया है, ये डायन में लिख दिया हमने, वेलोसिटी वी, एक वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब इसमें वेट लगेगा नीचे की तरफ, अब थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, उसको माइनस करेंगे तो आपका विस्कस फोर्स निकल आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम जो है वो मास अपॉन डेंसिटी, मास 10 है, डेंसिटी 7.8 गिवन है, ये सीसी में आ गया। अब बायंट फोर्स या अपवर्ड फोर्स, बायंट फोर्स, ठीक। तो बायंट फोर्स के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं बॉडी का, डेंसिटी लेते हैं जिसमें वो डिप है, तो डेंसिटी ग्लिसरीन में है तो हम रो जी लिख दे रहे हैं, इंटू जी, ये 10 upon 7.8, डेंसिटी 1.3 गिवन है और 980 इतने डायन आएगा। अब विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होगा, एमजी डाउनवर्ड लगेगा और अपवर्ड आपका अपथ्रस्ट लगेगा, यानी कि एमजी माइनस बायंट फोर्स, हमने बायंट फोर्स को एफ बी लिख दिया है, यहां पर नोट करते हैं ये एफ बी है, ठीक। एमजी और दोनों चीजें आप निकाल चुके हैं इसलिए आप डायरेक्ट माइनस कर लें, ये 8.166 × 10³ डायन आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें, इसमें जो है कि आपने जो विस्कस फोर्स है इसको माइनस करके निकाल लिया, एमजी माइनस बायंट फोर्स, ये आपका 8.166 × 10³ डायन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, देखिए एट स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर विद ए टर्मिनल वेलोसिटी 0.10 meter per second, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी इफ दीज ड्रॉप वेयर टू कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, यानी 8 ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया और तब उसकी वेलोसिटी को पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 8 ड्रॉप को कंबाइंड करके, जो छोटे ड्रॉप हैं उनको कंबाइंड करके जो बड़ा ड्रॉप निकाला है उसकी रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, तो ये डबल आ रही है रेडियस। अब वेलोसिटी जो है टर्मिनल वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए V2 upon V1 = R² / r² तो ये V2 आपका आ गया 0.12² यानी 0.4 meter per second। तो सीधे जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगाकर उससे इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 centimeter डायमीटर गिवन है 1.25 centimeter इज 0.8 liter per minute, ये वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है 0.8 liter per minute। हमने इसको आपको कन्वर्जन बताया है, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करें, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करें तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, ये वॉल्यूम फ्लो रेट बन गया, ठीक। ईटा गिवन है 10⁻³, ईटा नोट करें, ईटा ऑफ वाटर 10⁻³ पास्कल सेकेंड। तो द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 centimeter इज 0.48 liter per minute, ईटा 10⁻³। आफ्टर सम टाइम
फ्लो रेट इज इंक्रीज्ड टू, आफ्टर सम टाइम फ्लो रेट इंक्रीज हो गया ये 3 लीटर पर मिनट, इसको भी चेंज कर लें आप, करेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट, करेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट। करेक्टराइज करने का मतलब है कि रेनॉल्ड नंबर का निकालना, तो रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला आप लिख चुके हैं रो वेलोसिटी डायमीटर और अपान ईटा। वेलोसिटी जो है वो क्यू इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। इससे आप क्या करेंगे कि या तो वेलोसिटी को हटा दें, इसको क्यू में लिख दें वॉल्यूम फ्लो रेट में, ठीक। तो वॉल्यूम फ्लो रेट में ये फार्मूला 4 rho वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाई पाई एटा ईटा डी आ गया। अब इसमें सभी वैल्यू आपको मालूम है, डेंसिटी 10^3 है, डायमीटर गिवन है, वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है। इससे आप रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करें, ये 815 आ रहा है और ये आपका 2000 से कम है। इसका मतलब फर्स्ट केस में जो फ्लो है वो स्टेडी होगा। वहाँ नोट करें रेनॉल्ड नंबर 815 है, लेस देन 2000 है, हेंस फ्लो स्टेडी है। सेकंड केस में जब वॉल्यूम फ्लो रेट 3 लीटर पर मिनट हो गया, फिर रेनॉल्ड नंबर का दोबारा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन अपने हाथ से जरूर चेक करें, तो 5095 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 3000 है। इसलिए लिख दें सेकेंड केस में कि फ्लो टर्बुलेंट है, सेकेंड केस में फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 centimeter राइजेस अप, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 centimeter राइजेस अप इन ए लिक्विड कॉलम विथ टर्मिनल वेलोसिटी 0.21 centimeter पर सेकेंड। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी 1.47 × 10^3, डेंसिटी 1.47 × 10^3 केजी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1.47 × 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, एमकेएस में है, कैलकुलेट ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी दिया है, रो दिया है, अब आप विस्कोसिटी के फार्मूले पर जाएं, 2/9, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से विस्कोसिटी को डिनोमिनेटर से ऊपर यहाँ लिख दिया न्यूमिनेटर में, बाकी फार्मूला सेम है, अपान वी, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, वी टी लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक। और ध्यान रखना इसमें डेंसिटी जो है एयर बबल की वो निगलेक्ट कर दी गई है, गिविन भी नहीं है और फिर उसको निगलेक्ट करेंगे, ठीक। तो ये ईटा की जो वैल्यू आ रही है वो 1.52 × 10^3 पॉयज, हमने सीजीएस में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। आप आंसर को किसी भी टर्म में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन और नोट करें, देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ वाटर इन लैमिनार फ्लो इन ए पाइप हैविंग डायमीटर, इन ए पाइप हैविंग डायमीटर 5 centimeter गिविन दैट ईटा इज इक्वल टू 10^-3 पास्कल सेकेंड। देखिए जो वेलोसिटी का फार्मूला है क्रिटिकल का वो रेनॉल्ड नंबर ईटा अपॉन रो डी है, इसमें आपको वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ क्या दिया है देखिए, नहीं वेलोसिटी पूछी गई है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ वाटर पूछा गया है, यानी क्यू पूछा गया है। इसके लिए पहले हमें वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायमीटर दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, ठीक। लेकिन मेन इसमें पॉइंट है कि जो मैक्सिमम फ्लो रेट, मैक्सिमम का मतलब है कि हमें और लैमिनार फ्लो होना चाहिए, तो इसके लिए जो मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर की जो क्वांटिटी है वो आपको मालूम है, एन की वैल्यू 2000 लेते हैं, ठीक। 2000 के इसके ऊपर 3000 पर टर्बुलेंट होता है और 2000 तक ये लैमिनार फ्लो होता है या स्टेडी फ्लो होता है। इसलिए जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वहाँ जो रेनॉल्ड नंबर डालेंगे आप वो 2000 डालेंगे। ईटा की वैल्यू 10^-3 है, डेंसिटी 10^3 होती है, डायमीटर 0.05 है, ये आपका 0.04 meter पर सेकेंड आ रहा है। और फिर वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू इज इक्वल टू ए बी,
ये आपका पाई डी स्क्वायर बाई फोर कर दें और वेलोसिटी का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 7.85 इंटू 10^-5 मीटर क्यूब पर सेकेंड आता है। ठीक, तो इसमें एक जो पार्ट था वो मैक्सिमम फ्लो रेट का था जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट रेनॉल्ड नंबर को रख दिया है और फिर वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल दें। तो आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उनमें आप इस बात की चेकिंग करें कि किस फार्मूले जो किस लैंग्वेज क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें कौन सा फार्मूला फिट किया गया है, यूज किया गया है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है कि अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई फार्मूला अदर क्यों नहीं लगा है तो आप उसे जो है वो कमेंट में डालें तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।